ये चीज़ चेक करो भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये देखो यहाँ लकड़ी के लगा रखे हैं। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू द चैनल ऋषभ ब्लॉग्स। कैसे अपने आने से ना आए हो आप, चुस्त स्वस्थ तंदुरुस्त हो गए। तो भाई लोग आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया मैं, क्योंकि यार मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है ना बनाने के लिए, इसीलिए और नहीं दोहरा रही हूँ मुझे अभी। और अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो ये बोलोगे यार कितने टाइम ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है, देखो टाइम एक बार चेक करो, 3 बजे। क्योंकि यार सुबह से मैंने वही करा हुआ है, तो आप भी बोर हो जाते हो यार वही चीज़ देखते देखते। तो आज मारीपत पक्का चलेंगे, अगर आज मैं मारीपत नहीं गया, अभी 4 बजे के टाइम पर निकल जाएंगे मारीपत घूमने के लिए। आज 4 बजे के टाइम पर निकल जाएंगे, अभी मैं नहा के आता हूँ, मम्मी बाहर सो रही हैं, आराम कर रही हैं, तबीयत ख़राब है ना उनकी, और नानी की तो तबीयत वैसे भी ज़्यादा ही ख़राब है, तो इसीलिए अभी देखते हैं चलते हैं अभी जहाँ तक होएगा। वैसे मम्मी शायद से कल सुबह निकल जाएंगी नानी घर पर, अब देखते हैं भैया जैसा होएगा वैसा देखा जाएगा। ये बाहर सो रही हैं मम्मी, लेटी हैं मतलब आराम कर रही हैं, क्योंकि जुकाम भी है उन्हें और सर दर्द भी हो रहा है कल से, वो चोट मैंने कल दिखाई थी आपको वो भी दर्द कर रही है उनके, तो इसीलिए। चलो गाइज मैं नहा के मिलता हूँ फिर आपसे। गाइज अभी नहा के आ चुके हैं और अब चलेंगे वहाँ पे हमारी बात। ये मैं चाय बनाने के लिए आया हूँ रसोई में, चाय बना लें उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है अभी चलते हैं। ये टाइम चेक करो एक बार, 5 बज चुके हैं, चलते हैं अभी। हैं क्या तो गाइस मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मम्मी तो गाली दे रही हैं, गाली नॉट अलाउड। पंजड़ों को तो पंजड़े ही बोला जाएगा, अच्छा बोला जाएगा। चाय बना के मैं ला चुका हूँ, ये चेक करो, ये चेक करो, मम्मी खा रही हैं पपी। यही खाऊंगा और उसके बाद चलेंगे मारी बात, अभी आपसे मिलते हैं, मैं चाय पीऊँ जरा ये चाय। ले गाइस चाय पी ली है, देखो ये मम्मी, मम्मी ने पता नहीं अपना टिफिन कहाँ रख दिया, टिफिनों कहाँ रख दिया मम्मी तुमने। चलो गाइस ये काम करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद ही चल पाएंगे हम लोग। ये देखो ये पूरा का सारे काम है, ये देखो ये। चलो चलते हैं काम करते। तो फाइनली गाइस निकल चुके हैं घर से, अभी चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं वहाँ चल के। देखो व्यू कितना प्यारा आ रहा है, ये चेक करो गाइस। इस मंदिर से मैंने वो मेरा एक पहले चैनल था उस पर मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला था, इसी मंदिर से शुरुआत करी थी मैंने, इस रोड पर बनाता हुआ जाया। मैंने भाई 8 मिनट की वीडियो इसी रोड पर खींच दी थी, यहाँ से लेकर और वहाँ तक वो बोर्ड देख रहा हो वहाँ तक खींच दी थी, ये 5-8 मिनट की वीडियो यहीं पे ही इसी जगह पे खींच दी थी भाई। वो फर्स्ट व्लॉग को उस पर इतना रिस्पांस नहीं आया था, और उस टाइम यार पता भी नहीं था कि यार व्लॉग कैसे करते हैं कैसे क्या करते हैं, अब पता चल गया। तो अब यार आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, चलो भैया करो सपोर्ट अगर तुम्हारा मेहनत तो करता रहेगा। चलो गाइस चल के मिलते हैं आपसे। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं, ये देखो आपको स्टेशन नहीं दिख रहा होगा, पटरी दिख रही होंगी, लेकिन ये देखो एक गाड़ी निकल जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जो स्टेशन का रास्ता है ना वो इस तरफ से है, वहाँ से आगे से जाके घूम के फिर उस जगह पर जाना पड़ता है उस जगह पर, लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ से जाएगा, इस जगह से जाएगा। ओ पापा 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 ये तो गड़बड़ा, चलो 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 पहुंच चुके हैं भाई। ये देखो कुछ ऐसी जगह पे, ये देखो ब्लेड वगैरह पड़े रहते हैं यहाँ पे। स्टेशन भाई थोड़ा सा दूर है यहाँ से, वैसे ये पटरी चल नहीं रही, तो ये टाइट रही यार, देखना ऐसे ये पटरी जो है ये चल ही नहीं रही है, ये देखो ऐसी पड़ी हुई है इस पर। देखो फाटक भी क्या कहते हैं, ये देखो फाटक आप चेक करो एक बार, तो भाई फाटक भी तोड़ दिया ये, क्या बदतमीजी। ये देखो बाइक वाले कैसे निकल रहे हैं, कार वाले फंसे हुए हैं, बाइक वाले निकल रहे हैं, हम तो भाई इधर से जाएंगे। ये देखो अगर आप चेक करो यहाँ से इस जगह से, तो भाई ये बहुत ज़्यादा वैसी ऊपर नीचे हो रही है पटरी। तो चलो चलते हैं, वो रहा है स्टेशन, आपको दिख रहा हो वो, देखो ये देखो दिखाता हूँ आपको, वो रहा वो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो स्टेशन। चलो वहाँ चल के आपसे मिलते हैं। अरे एक यहाँ का ऐसा व्यू है, चेक भाई पूरी पटरी पटरी जहाँ तक देखो वहाँ तक, और ये देखो सूरज का व्यू कितना अच्छा रहा। चलो चल के मिलते हैं आपसे।
करो गाइस, यहाँ की पटरी ख़त्म हो चुकी है, आगे कुछ भी नहीं है। आगे ये रियल पटरी है, वो आ रही ट्रेन, वो चेक करो, ये ट्रेन आ रही है यहाँ तक, ये पटरी ख़त्म। यहाँ पे देखो कितने गहरे गहरे हैं, वो आ रही है, देखो ट्रेन आ रही है। मैं अभी आया था यहाँ पे स्टेशन पर, ये देखो मुझे क्या चीज़ देखने को मिली, ये यहीं पर ही लावारिस, पता नहीं लावारिस तो नहीं कह सकते हैं। देखो ये खड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखो डबल पटरी जा रही है यहाँ से वहाँ तक, वहीं पे खड़ा हुआ है। चलो आपको पास से दिखाता हूँ एक बार, मैं ऐसा व्यू आ रहा है, चाहिए चेक करो गाइस यहाँ से, भाई खतरनाक सही है यार। मुझे पता ही नहीं सिनेमेटिक शॉट कैसे लेते हैं, मैं तो भैया लैंडस्केप में ही लेता हूँ। ये देखो सही लग रहा है। अब वो मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पर गार्ड बैठा हुआ था, शायद से वो दिखाने नहीं देगा उसे। अगर एक बार मैं कोशिश करता हूँ, अगर दिखाने दे मुझे, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको ट्रेन ज़रूर दिखाऊं, लेकिन वो पास से दिखाने की परमिशन देगा नहीं, वो वैसे ही डांट रहा था मुझे। चलो एक बार कोशिश करता हूँ मैं। देखो वहाँ पर खड़ा हुआ है वो, वहाँ पर उस जगह पर मैं आगे आ गया था, वो देखो वो आपको दिख रहा हो वो, लेकिन दिख नहीं रहा होगा ऐसे। 8x का बहुत बेकार है, ऑप्टिकल जूम तो 2x ही है इसका। चलो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो गाइस, भाई रे स्टेशन को ये धर्मशाला समझ लिया, ये चेक करो भाई, कपड़े धोने में लगे हुए बेफालतू में। क्या यार, मतलब कुछ भी, वो खड़ी हमारा हाथी खड़ा हुआ, हाथी भाई, इसी हाथी की वजह से तो सब कुछ चल रहा है। ये देखो भाई बेफालतू में, मतलब यार कुछ भी यार, मतलब यार, मतलब यार रेलवे स्टेशन कपड़ा धो रहा बंदा, यहाँ पर कुछ भी आ रही है, देखना एक बार यार, कुछ भी कर सकता बंदा। चलो गाइस टॉपिक से नहीं हटते, मैं आपको एक बार वो दिखाता हूँ, ये पास से दिखाता हूँ मैं आपको, चलो इतनी पास से दिखा सकता हूँ, जूम करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि भाई ज़्यादा पास से ही देखो भाई, कितने बड़े बड़े टायर, ओ माय गॉड। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको अभी, ये रुक जाओ, एक चीज़ देखना अभी, या तो फिर ये ब्रेकिंग के लिए लगा रखा है, पता नहीं क्या लगा रखा है ये पूरा। ये देखो वहाँ से वहाँ तक ही है सिर्फ और सिर्फ ये, ये देखो ये चीज़ चेक करो भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये देखो यहाँ लकड़ी के लगा रखे हैं इस वाले टायर पर, क्या चीज़ है ये, इस टायर पर लगा रखे हैं, फिर उस टायर पर भी लगा रखा है, वो देखो वो लगा हुआ, पता नहीं क्या चीज़ है भाई। ये क्रेन रख रखी है क्योंकि ये नई पटरी बच रही है ना अभी, उसकी वजह से। और ज़्यादा पास से मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो बस इतना ही देख लो भाई आप लोग, ये चेक करो भाई अंदर, वो देखो लोको पायलट का एरिया है, वो यहाँ लोको पायलट बैठता है और उस साइड कैप्टन बैठता है, यही सारा कुछ था बस। अब घर चलेंगे भैया क्योंकि यहाँ ज़्यादा टाइम हो गया। देखो यार कैमरा इतना क्यों नहीं बताता जो रियल आँखों से लगता है। चलो कोई बात नहीं, वारा फ्रंट से भी देख लो, वो लगे भोंपू, ये देखो भोंपू पोंपों करते हैं, यही भोंपू यार, कितने वो देखना यार, क्या क्या चीज़ें रख रखी हैं यहाँ पे। ये देखो झोपड़ी सब कुछ वहाँ पे रख रखा है, सही है यार, वैसे जो भी है यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ये देखो यार, ये देखो है, पता नहीं क्या क्या चीज़ रख रखी है ये। चलो गाइस एक बार देखते हैं क्या, घर पर चलते हैं भैया, गड़बड़ हो जाएगी ना। चलो अभी घर के लिए निकल चुके हैं, चलो भाई चल के ही मिलते हैं आपसे, क्योंकि ऐसे रोड पर चलना बहुत मुश्किल है यार, पैर पूरे पूरे हो जाते हैं टेढ़े मेढ़े। चलो गाइस घर पर चल के मिलते हैं आपसे भाई। अभी मैं आपको फाटक और दिखाता हूँ भाई, फाटक तो पूरा ही तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया फाटक, अभी दिखाता हूँ आपको एक बार। देखो वहाँ से बंदे जा रहे हैं फाटक के लिए जा रहे हैं। चलो फाइनली गाइस घर पहुँच चुके हैं, ये देखो आती लाइट जल गई, वाह। चलो अंदर चलते हैं भैया, रिया गेट खोल, जल्दी खोल जल्दी, मारीपत की साइड था मम्मी में आ गया घर पे। ये देखो ये रहे, मैंने बोला था ना डांटेंगी मुझे, डांट रही है। शक्ति शक्ति चल रहा है गाइस, शक्ति 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 देख लो, शक्ति शक्ति। ओ भाई सांस फूल जाएगी, रहने दे, सांस फूल जाएगी, फूल गई सांस, फूल गई, फूल गई, खत्म, जा ले चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे। गाइस अभी मम्मी ने मेरे से मंगवाया है दो मठे की थैली, और मम्मी बेचारी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है आपको बता नहीं सकता मैं, उन्हें बेचैनी सी हो रही है, हेडक हो रहा है बहुत ज़्यादा, और क्या कहते हैं एक जगह खड़ा नहीं हो जा रहा, हेडक ही बोलते हैं ना बेचैनी को, सर दर्द बोलते हैं,
सर दर्द को हेडेक बोलते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। इसको इसको तुझको पता है तो फिर बेचैनी को क्या बोलते हैं? हैं? हेडक नहीं बोलते बेचैनी को, सर दर्द बोलते हैं हेडक। हाँ, सर दर्द को हेडक बोलते हैं। ओह माय गॉड। चलो गाइस मैं दो मट्ठे की थैली लिया, उसके बाद मैं एक बात करता हूँ। शक्ति अस्तित्व के एहसास की इसके लिए एक टकाटक नहीं आएगा। गाइस घर पहुंच चुके हैं, अभी मैं सामान लेके आ चुका हूँ। मौसा जी से बात कर रहा था मैं, नानी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है और इनकी कुछ इनकी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मम्मी सड़कना ना कैसे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है इनकी बहुत। और रिया भैया, रिया तो टीवी छोड़ती नहीं है। अरे इसकी तबीयत खराब है तो टीवी तो छोड़ दे कम से कम, तबीयत ख़राब है तो क्या है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है बेफाल तो नहीं। चलो गाइस मैं कल मम्मी चला जाऊँ फिर मैं गाँव बता दो। आराम नहीं है, आराम नहीं है, है आराम है लेकिन बताओ चला जाऊँ ना जी। कुछ नहीं क्या कहेंगे मौसम, मम्मी अभी पूछ रही थी क्या कह रहे हैं मौसा जी। मैं कुछ नहीं कह रहे थे, बस तबीयत ही होती पूछ रहे थे। देखो ये देखो ये देखो देख, ये कर रहे हैं अभी पापा आएंगे। देखो गाइस 8 बज चुके हैं, ये चेक करो। आज क्यों करेंगे मम्मी, आज तो तुम्हारी तबीयत खराब है, बना लो चल के चलो, मुझे बता दो मैं छोड़ देता हूँ। आ जाओ खड़ी हो, खड़ी हो। तो गाइस ये वाला फ्राई पैन, अरे बाबा मलाई निकाली नहीं फ्राई पैन में से। रिया मलाई निकाली तूने फ्राई पैन में से हैं? और ऐसे गर्म होने रख दिया, ऐसे गर्म होने लग दिया। ये देख ले, ये देख ले। चलो गाइस मैं क्या कहते हैं, ये देखो इसमें निकालना पड़ेगा, ये इसमें निकालनी पड़ेगी मलाई। ये देखो मलाई कितनी सारी भरी रखी है। हाँ ऐसे गर्म कर ले ताकि हो जाए। चलो गाइस मैं मलाई निकाल के आपसे मिलता हूँ। तुम्हारा भाई बना रहा है खाना खाना खाना। अब जीरा डालना, कितना डालूँ जीरा? एक चम्मच थोड़ा डाल। इतना पूरा बाजार लगाए जीरे को, इतना डाल। हाँ देखो बनने लगा। चल मिर्च डाल ले। हैं कहाँ है? इतने सी बचे, इतने से हो जाएगा। अब निकलेगी जरा। इसमें से कुछ डालना है? हल्दी डाल ले। तो गाइस मैं हल्दी लिया, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अब मैं खाना ही बना लूँ, उसके बाद ही मिलता हूँ मैं आपसे। पापा भी आ चुके हैं और मैं तो बैठा ही हुआ था। अभी देखो टाइम, देखो टाइम कितना हो गया, 10 बजने जा रहे हैं। इसकी तबीयत ख़राब हुई पड़ी है, मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मैं व्लॉग यहीं पे ही एंड करूँगा क्योंकि यार अब तो ऐसे ही एडिटिंग वगैरह करूँगा। तो आज तो भाई को देखी थी आपने ट्रेन, वो तो बंदी पड़ी हुई थी, पता नहीं क्या दिक्कत थी। और कमेंट में वो ज़रूर बताना, वो ब्रेक के लिए होते हैं या फिर क्या होते हैं, वो जो पहियों में लगे हुए थे। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नई और मस्ती वीडियो में, तब तक राम राम सभी भाइयों को। मिलते हैं।